यार सामने का नजारा यार कितना खूबसूरत है यार, इतना प्यारा ब्रिज बनने का है, मैंने पहली बार जिंदगी में इतना प्यारा ब्रिज देखा है। ठीक है दाजू, मिलते हैं। दाजू ने बहुत ही सेवा दी। नाम आपका क्या था? चंद्र वर्मा। और ये भाई साहब हमारे, इन्होंने बहुत हमारी सेवा करी। और हम रुके थे यहाँ पे, मतलब मैं रुका था, मेरे साथ दिव्यांश था, होटल मैंग पे रुके थे। देखो फ़ोन नंबर पे लिखा हुआ है 24/7, और मुनसारी में है ये होटल, आप कभी आ सकते हो और इनसे सेवा ले सकते हो। इनके ऐसा खाना और इनके ऐसा नॉनवेज मैंने एक दिन खा लिया, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन चिकन काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो इनको फैसिलिटी देना, जब भी आप आओ तो इनके पास आके रुकना। ठीक है राजू, मिलते हैं। तो भाई साहब, वैसे तो आज का प्रोग्राम था यहीं रुकने का, लेकिन सही डेस्टिनेशन यहाँ कवर हो गई थी मुनसारी में, तो अभी मैंने चेकआउट कर दिया होटल से। करीब 12 बजे होटल चेकआउट किया है। और एक्चुअली फिर दिव्यांश मेरे साथ आया था यहाँ पे, फिर मैंने बोला उसको कि उसने बोला कि और भी कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि 2-3 दिन का टाइम अभी और है बचा हुआ। तो अब प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे मुनसारी से धारचूला। अब मैं सोलो राइड पे था पहले से ही, ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था, ये शेयरिंग गाड़ी पे आया था। तो सामने वाली गाड़ी पे वो जाएगा जौलजीबी, यहाँ से मुनसारी से, फिर जौलजीबी से वो निकलेगा धारचूला, और मैं अपनी बाइक से निकलूंगा। दोनों भाई, यहाँ से 100 किलोमीटर है धारचूला की डिस्टेंस, फिर हम जाएंगे धारचूला, फिर वहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है, धारचूला से कहाँ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ का रास्ता धारचूला का, और मुनसारी को करते हैं बाय बाय। और काफ़ी अच्छा लगा, जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, आप देख ही रहे हो सामने का व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब। ये है पूरी ऑफ रोड। देखो अभी हम क्या है कि दिव्यांश शेयरिंग गाड़ी में नहीं जा पाया, क्योंकि कोई जो उसका वेट कर रहा था वो गाड़ी वाला निकल गया। और नीचे पूरा ये दरकोट गांव है, और नीचे ये पूरी वैली है, वहाँ एक खूबसूरत सी नदी बह रही है, शायद उसका नाम गोरी गंगा है या गोरी नदी, ऐसा कुछ नाम है जहाँ तक मैंने पढ़ा है मतलब। और नीचे वहाँ बच्चों के स्कूल में चल रहा है क्रिकेट, और मस्त कमेंट्री यहाँ तक सुनाई दे रही है। और गाड़ी रोड की कंडीशन अब देखो आप, रोड ऐसी है, और हम लोग हैं डबल सवारी में एक्सपल्स पे। आज पता नहीं कैसे होगा साहब, अभी तो खतरनाक ऑफ रोड है, इतना तो मैंने ऑफ रोड कभी देखा भी नहीं। तो मिलम ग्लेशियर 65 किलोमीटर है, ये रास्ता चला गया मिलम ग्लेशियर का, जौलजीबी 59 किलोमीटर, मटकोट 13 किलोमीटर, और यहाँ पे है पूरी ब्लैक आइस। भाई साहब लगता है कि आज धारचूला पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे 4-5 घंटे, क्योंकि ये रोड वाकई बहुत बेकार है यार। और हम लोग हो गए डबल सवारी, डबल सवारी पे जाना पड़ रहा है। अब जैसे वो नीचे गाड़ी दिखाई दे रही है आते हुए, ऐसे कभी कभी कहीं पर आ जा रही है तो फिर दिक्कत हो जा रही है। क्या मेरे भाई ब्रेक मार ले, ढलान में आ रहा हूँ, पूरी धूल ही धूल है सस्ते पे भाई साहब। खतरनाक वाली ऑफ रोड है भैया, अगर ऐसे ही रास्ता मिलेगा पूरा मेरे को तो हो गया काम, आज बच जाएगी बैंड पूरे शरीर की और टाइम की भी, क्योंकि 12 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है मुनसारी से, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ही, तो हमने सोचा 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो 5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अब मुझे टपटास चला कि 5 बजे तक पहुँचना मुश्किल है, रात भी अंधेरा ही हो जाएगा धारचूला पहुँचते पहुँचते, अगर ऐसी रोड होगी तो। अभी देखते हैं आगे कुछ ऐसा कंडीशन मिल जाए यार, अच्छी रोड मिल जाए तो सही हो जाएगा। मेन अभी मोटिव है मटकोट रुकना है हमने, जो बंदा दिव्यांश को छोड़ के चला गया था, क्योंकि हम पे लगेज बहुत है ना, हम पे 2 बैग है, 2 दिव्यांश के, 1 दिव्यांश का बैग है, 2 बैग मेरे हैं, 1 मैंने आगे फ्रंट पे अपने लटका रखा है, दिव्यांश ने लटका रखा है, 1 बैग बीच में डाल रखा है। और एक्सपल्स में इतना है नहीं कुछ स्कोप सामान बांधने आने का,
जगह के सिंगल अगर कोई बंदा जाए तो बद भी जाए, लेकिन अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कुछ ऐसा हिसाब किताब हो जाए तो फिर हम आराम से निकलेंगे। तो मदकोट से हम लोग पहुँच गए हैं मदकोट पे, और ये ब्रिज है देखो बहुत अत्यधिक ब्रिज है, कुछ अलग ही हिसाब किताब है इस ब्रिज का। नीचे बह रही है गोरी नदी। है मदकोट विलेज मुनस्यारी से करीब 22 किलोमीटर आगे। तो इस ढाबे में हमने खाना खाया और काफ़ी अच्छा खाना था, जला हुआ भात दाल और हरी सब्जी, और जो नॉनवेज खाना जाता है तो उसके लिए मटन भी वहाँ पे है, पहाड़ी मटन। यसन की रसोई यहाँ पे है। का नजारा यार इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा ब्रिज बनने का है, मैंने पहली बार जिंदगी में इतना प्यारा ब्रिज देखा है, इतना खूबसूरत ब्रिज यार, कसम से दिल खुश हो गया ब्रिज को देख के। ये वाह मजा आ गया यार, न्यूली कंस्ट्रक्ट होगा ना इसलिए लग रहा है कि ऐसा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद का जो स्लोप है ये देखो वाह, ये रास्ता इतना औसम है, बस मुंसाई से लेके मदकोट तक का रास्ता बहुत थोड़ा टिपिकल था क्योंकि वहाँ रोड बन रही है, लेकिन जो ये रास्ता है ऐसा लगी ना कि मैं किसी पहाड़ में गाड़ी चला रहा हूँ। नदी के किनारे किनारे पूरा पैरेलल रास्ता है और इतनी प्यारी रोड है, कहेंगे पर लैंड स्लाइड है वो हर जगह होता है ऐसा कह, लेकिन जो ये रास्ता है मदकोट से लेके बरम आने वाला है कोई गाँव भी, वो दिखाता कि 3-4 किलोमीटर है, लेकिन जौलजीबी का रास्ता है जो जाएगा धारचूला है पिथौरागढ़ को, लेकिन काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, इतना ज़बरदस्त रास्ता है, मज़ा आ गया कसम से इस रास्ते में बाइक चला के। मैं ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन जो किनारे किनारे गांव थे इतने खूबसूरत गांव थे, पूरे बैम्बू के पेड़ लगे हुए उन गाँवों में और केले के पेड़, और इतने प्यारी हरियाली उन गाँव में, मज़ा आ गया उसको देख के। पूरे अभी सरसों उनकी अभी से पीली होगी, हमारे यहाँ थोड़ी देर में होती है, लेकिन वहाँ पूरी सरसों पीली हुई है, तो बिल्कुल पीले पीले खेत, कसम से दिल खुश हो गया। तो बरम में मेरे को मिल गए हैं 5 भाई लोग, ये भी फॉलो करते हैं मेरे को, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहीं पर आके चाय पी क्योंकि आगे मार्केट में चाय मिली नहीं, और इनसे मिलेंगे दोबारा कभी आके। तो भाई साहब पहुंच गए आगे कार मुंसारी से हम जौलजीबी, ये रोड निकल गई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को, अस्कोट इसी में पड़ेगा, हम निकल गए सीधे सामने जौलजीबी को। अभी चल रहा रोड का काम, करना पड़ेगा कुछ इंतज़ार, ऊपर लगा हुआ है जेसीबी, सामने भी ट्रैफिक बंद है और इधर भी, और पीछे साइड भी पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे ऊपर से। तो भाई साहब लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आप देखो ज़रा पूरा 4 लेन तो नहीं, मतलब रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी कर दी है, इसलिए काम चल भी रहा है। और सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हो वो नेपाल है, सामने वाला पहाड़ बिल्कुल जो मेरे ठीक आंखों के सामने है वो नेपाल है,
और जिस रोड में चल रहा हूँ ये इंडिया है ना, बहुत अचंभित करने वाली बात। अब ये जो बीच में घाटी है इसमें बहती है काली नदी, काली नदी के उस पार नेपाल और इस पार इंडिया। काली नदी है बॉर्डर लाइन नेपाल और इंडिया की। भैया धारचूला शहर है अभी 5 किलोमीटर और दूर, लेकिन एक छोटा सा शहर, उससे पहले पता नहीं कौन सा NHPC लिमिटेड लिखा हुआ था पीछे, शायद इसकी कोई गवर्नमेंट कॉलोनी होगी। और बज गए हैं शाम के 4:45 और 5 किलोमीटर की दूरी तो हो जाएगी 15 मिनट पूरी। कैलाश मानसर परिसर नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो भैया एंट्री हो चुकी है धारचूला शहर के अंदर। अभी लेना है होटल, उसके बाद देखते हैं क्या नज़ारा है यहाँ का। तो ऐसा मार्केट पूरी क्रॉस करके अब मैं निकल रहा हूँ KMN के गेस्ट हाउस के लिए। आज का स्टे रात का वहीं होगा, देखते हैं। गला हो गया धीरे धीरे जाम ठंड की वजह से। तो यह है पूरी धारचूला की मार्केट और इधर ही किसी कहीं गली में है KMN का गेस्ट हाउस, जैसा मुझे मार्केट में किसी ने बताया था। तो गेस्ट हाउस चलते हैं, ढूंढते हैं पहले कहाँ पर है। ये सब लोग मार्केट में शॉपिंग करने आए हुए हैं। ये है मानस करके, ये मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस। ढूंढते हैं इसमें रूम, लेते हैं रूम। तो फाइनली रूम ले लिया यहीं KMN में। सही है रूम, इस साइड इस बार यहाँ से नेपाल का व्यू नहीं है, नेपाल उस साइड है। दिव्यांग थक के हो गया है चकना चूर, इसकी हो गई हालत ख़राब। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुनस्यारी से धारचूला। बीच में जो गांव पड़े मडकोट, बरम, जौलजीबी, उसके बाद बलुआ कोट, उसके बाद पहुंचे हम धारचूला। मुनस्यारी से लेके मडकोट तक रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके से बहुत दूरी वाट लगी हमारी। लेकिन मडकोट से लेके धारचूला तक कहीं कहीं ख़राब थी रोड, लेकिन बाकी रोड थी औसम। और बाइक चलाने में जो मज़ा आया वो कुछ बाइकर ही जानता है कि कितना मज़ा आता है बाइक चलाने में जब उसको मिली होती है एक बहुत सी टॉप स्पीड नेशनल हाईवे पे। तो आज का ब्लॉग यहीं भी समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको दबा देना, उसको दबाने के कोई पैसे नहीं लगते। और मेरे टूर से रिलेटेड जो भी आपको फोटो वगैरह देखनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में आदि ब्लॉग करके ही फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।